तो गाइस जब भी मैं बाथरूम में रेडी हो रही होती हूँ, रेडी क्या है, अभी जैसे शायर लिया तो बाल वाल ड्राई कर रही थी, क्रीम वगैरह लगा रही थी, तब तक देखिए हमारा यहाँ नीचे बैठी रहती है और बहुत खुश रहती है, बहुत खुश रहते ना बेटू। हाँ मजा आता है मम्मा को देख के रेडी होते हुए। आपको क्या लगता है, आप भी रेडी हो गए ना ऐसे ही बड़े होके? हाँ बता दो आई लव यू। तो ये बिल्कुल भी परेशान हमारा नहीं करती, यहाँ पे बैठ के देखती रहती है मैं जो भी करती हूँ। देखिए कितनी खुश है। हाँ मुझे देख के हमारा बिल्कुल टीवी पे गई है पास में मुझे टच करने के लिए, और देखिए टच नहीं कर पा रही तो हल्ला कर रही है। आज पहली बार मायरा को मैंने कोकोनट वाटर दिया है, जो नारियल में से निकलता है बेसिकली, अनस्वीटेंड वन, बाहर का नहीं है ये, और मस्त इसे बहुत ही अच्छा लगा तो पी रही है। एक बार पहले दिया, थोड़ा सा मैंने दिया कि पता नहीं अच्छा लगे या नहीं, दोबारा दिया है तो देखो मस्त एंजॉय कर कर के गिर गिर के पी रही है अपना। सबसे अच्छी चीज़ है आजकल खुद से पीती रहती है। हाउ डिड यू लाइक इट बेटू, कोकोनट वाटर, डिड यू लाइक इट? अमायरा अब ऐसे ये स्टूल को आगे कर करके वॉक करती है, कॉर्नर से ढकेल के ले आई है यहाँ तक। सो गाइज मैंने फैमिली फ्रेम ऑर्डर किया था ऑनलाइन, मुझे लग रहा था पता नहीं कैसा होगा क्या होगा, तो ये अभी आ गया है। चलिए इसे खोल के देखते हैं और दिखाती हूँ मैं आप लोगों को कैसा आया है। आ जाओ बेटा अनबॉक्सिंग करेंगे। द पैकेजिंग बहुत ही सही है, आप देख सकते हो, और इसके अंदर से मैं फ्रेम निकालती हूँ। ये है फ्रेम और इसे टर्न करते हैं, ये रहा फ्रेम। वाह, सो बेसिकली ये फोटो हमने मायरा के 6th बर्थडे पे के टाइम पे खिंचाया था, और अभी तो मायरा इस मंथ 1 साल की हो जाएगी, और अपना कुछ कुछ बर्थडे गिफ्ट जो मैंने कल ऑर्डर किया था वो सब उठा के फेंक रही है यहाँ पे, बस बदमाशियाँ कर रही है ना बेटू? और ये देखिए फ्रेम, बहुत ही सुंदर, बहुत ही बड़ा फ्रेम है गाइज, आपको पता नहीं इसमें पता चल रहा होगा या नहीं, पर इसे मैं दीवार पे लगा के फिर आप लोगों को दिखाऊंगी। ढेर सारा सामान आया है इंडिया से, ये देख लो आप, ढेर सारी मिठाइयां और स्नैक्स वगैरह आया है। ये हमारा वेडियो है तो हमारा का बर्थडे मंथ है ये, और हम लोग का काफी डिफरेंट प्लान है सेलिब्रेट करने का। मायरा का बर्थडे स्पेशल तरीके से हम लोग मनाएंगे, है ना बेटू? मिठाई खा के और ढेर सारी चीजें गाइज हमने मंगाई है, एक और बड़ा सरप्राइज भी ले सकते हैं हम लोग, बट अभी उस पे बात चल रही है, वो भी बहुत बड़ा गिफ्ट होगा। अमोद को टेस्ट कराते हैं ये मिल्क केक और पूछते हैं कैसा है, आरू, टेस्ट किया जाए। आरू को छोड़ दो, कैसा लगा? आउट ऑफ 10? ओ माय गॉड, 10 out of 10। तो गाइज मैं तो ऐसे मिठाइयां नहीं खाती, पर मुझे टेस्ट करना पड़ेगा क्योंकि अमोद ने इसे 10 out of 10 दे दिया है। नहीं 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 हमारा को मीठा नहीं देना है। तो गाइज हम लोग घूमने निकल गए हैं सारे लोग, क्योंकि वेदर बहुत अच्छा, देखिए हमारा को अभी धूप लग रही है हल्की सी से, बट दैट्स फाइन। तो वीकेंड है और जब भी मौसम अच्छा होता है जहाँ हम लोग रहते हैं विस्कॉन्सिन में, क्योंकि बहुत ठंड पड़ती है, तो हम लोग की कोशिश होती है कि बस जल्दी से चलो और बाहर निकलो, वरना तो घर में बंद रहना पड़ता है या सिर्फ मॉल्स वगैरह ही जा सकते हैं। ये आज का मौसम बहुत अच्छा था तो मैंने कहा अमोद को कि चलो चलते हैं कहीं वॉक करने, वरना समझ में तो हम कितनी वॉक करते हैं, है ना? बोलो ना कुछ आगे पीछे, ये बोल रहा है उसके पहले। कुछ भी बोलना नहीं है व्लॉग में। हेलो एवरीवन, तो कैसा लग रहा है इतने दिनों बाद वॉक पे निकल के? बहुत अच्छा लग रहा है, आज मौसम बहुत अच्छा है, वरना ठंड से तो घर के अंदर ही पूरा टाइम कटता है। जानलेवा ठंड पड़ती है यहाँ, जिन्हें भी नहीं पता होने में बता दूं, बर्फ नहीं दिख रहा है। और ये रही मेरी क्यूटू बच्चू, रिलैक्स करके घूम रही है, बहुत अच्छा लग रहा है घूमने में, है ना बेटा? बहुत मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, बहुत दिनों बाद ऐसे बाहर आउटडोर्स। हाँ पहले जब काफी छोटी थी, 3-4 महीने 5 महीने की थी तो निकली थी, बट उसके बाद अब जाके निकली है। आई लव यू ऑलवेज फॉरएवर नियर एंड फार। गाइज ये पहला स्विंग एक्सपीरियंस है मेरा और अमायरा का साथ में, और स्पेशली अमायरा का पहला है, और मैं इस मोमेंट को कैप्चर करना चाहती थी, तो इसलिए हमने सोचा क्यों ना वीडियो ले ली जाए। बहुत ही ज्यादा एंजॉय किया हम लोगों ने आज, मुझे लगा था पता नहीं अमायरा कैसे रिएक्ट करेगी पहले स्विंग एक्सपीरियंस में, पर अमायरा रोई नहीं,
बहुत ज्यादा खुश भी नहीं हुई, लेकिन लगा ऐसा कि ठीक है, कुछ नई चीज है, नया एक्सपीरियंस है। तो आप देख सकते हो फेशियल एक्सप्रेशन कोई बहुत खुशी वाला नहीं है, पर हाँ रोने वोने का भी नहीं है, तो वो एंजॉय कर रही थी। और समर आने वाला है तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, हर रोज पार्क में ले जाऊंगी अमायरा को, काफी सारी फिजिकल एक्टिविटीज कराऊंगी उससे। हर बच्चे को शुरू से ही एक्टिव रहना चाहिए। गाइस हम लोग आ गए हैं कॉस्को, इसमें चलो। तो थोड़ा सामान लेना था, अमायरा को यहाँ मत कार्ड पे बैठा दिया है, तो ये एंजॉय कर रही है यहाँ पे बैठ के। हाँ देखिए खुशी देखिए इसकी। और हम लोग जानबूझ के थोड़ा लेट ही आते हैं यहाँ पे ताकि भीड़ कम हो। हाँ और अमायरा एंजॉय कर पाए। आर यू हैविंग फन बेटू? Are you having fun? कहाँ है बिटू? We are at Costco. Yes, yes, yes. हर बड़े स्टोर में यहाँ कार्ट मिल जाता है, तो बड़ा अच्छा लगता है मुझे कि बच्चे को आराम से यहाँ पे बिठा के आप सामान ले सकते हो, ग्रोसरी शॉपिंग कर सकते हो। हाँ देखिए कार्ट में मायरा इतने शांति से बैठी हुई है बिलिंग काउंटर पे, और मुझे देख लिए तो हंस रही है। यहाँ पे देख ली कि मम्मा मेरी वीडियो बना रही है। हाँ आ रही हूँ मैं, कुछ देखने गई थी आपके लिए। हाँ हाँ मजे नहीं कर रहे हो आप? क्यूटू बेटा, क्यूटू बेटू। घर आ गए हम लोग और ये है हमारा कडल टाइम। हम दोनों का कडल टाइम मेरा फेवरेट है गाइस। अगर आज की डेट में मुझे कोई कहता है कि प्यार क्या है, तो मैं कह सकती हूँ इट्स अ बॉन्ड बिटवीन अ मदर एंड द बेबी। ये एक सेल्फलेस लव है गाइज, और जहाँ सेल्फलेस, कहाँ बेटा कहाँ दौड़ रहे हो आप, और जहाँ सेल्फलेस प्यार होता है, जहाँ सेल्फलेस फीलिंग होती है, वहीं सच्चा प्यार होता है, वही प्यार होता है बेसिकली। और सच्ची कह रही हूँ, चाहे लाइफ में कितनी भी टेंशन हो, फिर जब मैं अमायरा के साथ होती हूँ मैं सारी चीजें भूल जाती हूँ, और सिर्फ मुझे देखिए कितनी प्यारी सो गई, और सिर्फ मैं वो मोमेंट्स को जीती हूँ अमायरा के साथ, हर एक मोमेंट, और सारी दुनिया की सारी टेंशन भूल के मैं अमायरा के साथ एंजॉय करने लग जाती हूँ। देखिए सारी टेंशन मैं भूल जाती हूँ जब भी मैं अमायरा के साथ आई लव यू बेटा। मम्मा 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 मम्मा। और जब हमारा मम्मा बोलती है तो मैं सारी चीजें भूल जाती हूँ गाइस। मुझे तो मम्मी और मोहन तो कहते रहते कि तुम इसे बहुत ज्यादा स्पॉइल करोगी, और इसे कुछ भी मनवाना होगा तो ये मेरे पास आएगी, ये सारी चीजें मेरे से करवा लेगी मम्मा मम्मा बोल के, मम्मा को बेवकूफ बना के, है ना बेटू।